देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में एक महीने से जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के हालात देखकर लगता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं पा रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मसले पर मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। इसके अलावा पूर्व सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने केंद्र सरकार से मणिपुर के हालात पर तुरंत ध्यान देने की अपील भी की है। मणिपुर में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। दो समुदाय के अधिकारों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हद तो तब हो गई जब राजधानी इम्फाल में मोदी सरकार के मंत्री आर के रंजन सिंह के घर पर करीब 1000 लोगों ने धावा बोल दिया और राज्य की एक कैबिनेट मंत्री के सरकारी आवास को भी लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह ने खुद कह दिया है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है और राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं पा रही है। जिसके बाद कांग्रेस ने मणिपुर में विवाद के मुद्दे को लेकर सीधे पीएम मोदी पर ही हमला बोल दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मणिपुर में विवाद बढ़ रहा है, 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 103 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। वोट के लिए मणिपुर से अपनापन दिखाने वाले पीएम मोदी ने वही मणिपुर की तुलना लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया से करते हुए पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य अब स्टेटलेस है। पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मलिक ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टैग किया। बता दें कि इस विवाद में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया जा रहा है। रोजाना मणिपुर के अलग अलग इलाकों से बढ़ते विवाद की खबरें सामने आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।